टॉप करने की हमें यही सज़ा मिली है कि हम टॉप करने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आज हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मेहनत की। हो रहा है कि हार्डवर्क करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हार्डवर्क का सिला ये है तो मुझे लगता है किसी को हार्डवर्क करनी ही नहीं। एजुकेशन को भी विक्टिम बनाया जा रहा है पॉलिटिक्स का आजकल। बस हमें अश्योरेंसेस दे रहे हैं ये लीडर्स, यहाँ आके वर्बल अश्योरेंसेस हमें दे रहे हैं कि नया कश्मीर यही है, हमारा जो फ्यूचर है यही नया कश्मीर है। आर्टिकल 370 के बाद से आप देख रहे हैं कि कितने पोस्ट यहाँ पे आए और कितने पोस्ट उन्हें सक्सेसफुली कंडक्ट कराए और वो उन्हें ज्वाइनिंग की। उनमें सिर्फ एक नाम आता है, वो है PAA। DC ऑफिस गए, हमने हर किसी अथॉरिटी को अप्रोच करने की कोशिश की, हमने ऑफिशियली उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हमें सिर्फ टाला जा रहा है। वी आर बीइंग मेड टू गो फ्रॉम पिलर टू। डे 24 यानी 24वां दिन, कश्मीर के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ, कितना बदलाव आया। बिल्कुल बदलाव तो आया है, ये बदलाव है। 24वां दिन आज इन FAA एस्पायरेंट्स का है। टॉपर्स दो FAA एस्पायरेंट्स के, दो टॉपर्स, चाहे गर्ल्स की बात करें बॉयज़ की बात करें, दोनों इस वक्त हमारे सामने हैं। लेकिन ये सारे FAA एस्पायरेंट्स हैं। बारिश हो रही है, 3-4 लोगों के पास छाता है, लेकिन कुछ लोग जो है छाते के बिना इस बारिश के अंदर भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। आइए, पहले हमने हर एक के साथ बात की, लेकिन आज टॉपर, दो टॉपर्स के साथ बात करते हैं, टॉपर्स वर्सेस टॉपर, और उनसे जानते हैं कि टॉपर्स टॉप करने की क्या सजा मिली। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फहीरा बेग है। फहीरा, आप टॉपर थे ना? जी। आपको क्या लगता है कि टॉपर टॉप करने की क्या सजा मिली है आज 24वां दिन है? सर, टॉप करने की हमें यही सज़ा मिली है कि हम टॉप करने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आज हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मेहनत की थी। पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि जो मेहनत है वो सारी वेस्ट हो रही है हमारी। इतने, मतलब हर कोई हार्डशिप हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। 24 डेज से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखिए, हर कोई, मतलब कंडीशन हम फेस कर रहे हैं। बारिश में हम यहाँ पे होते हैं, धूप में हम यहाँ पे बैठे होते हैं, और यहाँ पे हमें इतने हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो गए, फिर भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हमें समझ नहीं आ रहा है हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या खता किया था, हमने क्या गुनाह किया था मेहनत करके, पढ़ के, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन सो कॉल्ड फोटोशूट लीडर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका फ़ायदा उठा के इस पैसा एनक्लेव के अंदर आपके सामने फ़ोटोशूट कराते अपनी पब्लिसिटी के लिए? सर, हमारे साथ क्लियरली पॉलिटिक्स खेली जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। एजुकेशन को भी विक्टिम बनाया जा रहा है पॉलिटिक्स का आजकल। बस हमें अश्योरेंसेस दे रहे हैं ये लीडर्स, यहाँ आके वर्बल अश्योरेंसेस हमें दे रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स हमें दी जा रही है कि जी आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा, लेकिन 24 डेज हो गए, ऑलमोस्ट एक महीना होने को आया, लेकिन इंसाफ कहीं से दिख नहीं रहा है हमें। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या कुछ गुजारिश रहेगी, चूंकि बड़े नारे हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर बदला, नया कश्मीर है, नया कश्मीर है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे नए कश्मीर को लेकर? जी, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये डेमोक्रेसी है। हम डे वन से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें LG सर के साथ एक अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन 24 डेज हो गए, हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। हमने ऑफिस, क्या आंसर मिल रहा है वहाँ से जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं? हम DC ऑफिस गए, हमने हर किसी अथॉरिटी को अप्रोच करने की कोशिश की, हमने ऑफिशियली उन तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन हमें सिर्फ टाला जा रहा है। वी आर बीइंग मेड टू गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, लेकिन हमें कोई अभी तक अपॉइंटमेंट टिल डेट नहीं मिली। इतना क्या, मतलब किस चीज़ से वो रहे हुए हैं कि वो हमसे मिल नहीं पा रहे, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे। हम कोई स्कैमर्स तो नहीं है, हम कोई कल्प्रिट्स तो नहीं है। हम अपनी जो ये है स्टेटमेंट, हम अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे मिल नहीं पा रहे। व्हाट इज स्केयरिंग देम? सिंपली वन ऑन वन क्वेश्चन है आपसे, इस टॉप को करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रगल लाइफ में जो आपने की हो और आज उसको करने के बाद बड़ा रिग्रेट फील हो रहा हो? जी, 2 साल ऑब्वियसली पूरा कट ऑफ किया था, फैमिली से कट ऑफ किया, सोशली कट ऑफ किया। एक कमरे में बैठ के दिन रात पढ़ा, मेहनत की। इससे पहले मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स देखे हुए हैं लाइफ में, लेकिन इस बार अब क्वालिफाई हो गया था, मगर नहीं समझ आ रहा है क्यों ये हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों हमें इतना ट्रॉमा दे रहे हैं ये। आपको लग रहा है सबसे बड़ा फेलियर ये हुआ है कि आपने टॉप किया? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो टॉपर्स पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस उठी थी, लेकिन अब हम भी आ गए हैं यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। लिटरली, मतलब सोसाइटी में भी हमें इतना ज़्यादा ये किया गया है, हैरेस किया गया है। इवन आफ्टर गिविंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे अगेंस्ट क्यों ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है।
लिटरली अब डीमोटिवेट हो रहा है इंसान के आगे ना ही पढ़े तो बेहतर रहेगा। ये बड़े लीडर्स, सो कॉल्ड फोटोशूट लीडर्स यहाँ पे प्रेस एनक्लेव के अंदर आए, जिन्होंने इन FAS पेरेंट्स का फायदा उठा के यहाँ पे फोटोशूट कराया खुद का, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इनकी बात कहीं तक नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती तो आज 24वें रोज भी जो है ये बेटियां हमारी बेटियां पढ़ाओ सड़कों पे लेके आओ, ये इनका नारा है। मेरे मैंने नहीं दिया है, उन्होंने शुरुआत इन्होंने की है और आज ये सड़कों पे नहीं होती। बॉयज के अंदर एक टॉपर है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि टॉप करने की खास वजह और आज अगर टॉप किया है तो किस बात को लेके अफसोस हो रहा है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन। सिराज कहाँ से हो आप? जी मैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से। टॉपर हो पहले कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है या रिग्रेट हो रहा है? सर जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा फील हुआ था कि मतलब टॉप किया है और बहुत अच्छी बात होती है। जब इंसान टॉप करता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन जब ये पूरा जो टाइमलाइन आपको पता है क्या हुआ, जो फॉर एग्जांपल नैरेटिव चला, फेक नैरेटिव चला, हमारे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो सिलेक्शन लिस्ट था इसको ड्रैग किया जा रहा है जानबूझ के, जैसे फायर एंड इमरजेंसी के साथ कंपेयर करके, JKPSI में कंपेयर करके। और एक बात मैं यहाँ पे बोलूँ एडिशन में कि जो अभी JKPSI में जो CBI इंक्वायरी हो रही है और अरेस्ट भी हो रहे हैं कुछ, हम उसका वेलकम करते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे तैयार हैं, मैं भी JKPSI में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे जो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं JKPSI एग्जाम में भी। इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, जो जूनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं ये सर। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद नहीं। मेरा ये देखिए, ये स्टोरीज तो हम पिछले 24 दिनों से चला रहे हैं। सिंपल सा सवाल है, अफसोस किस बात को लेकर हो रहा है और आज के दिन कौन सी ऐसी स्ट्रगल है जो आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या टॉप करने के लिए की है और आज उस पे जो है आपको लग रहा है कि क्यों काश वैसा किया ही ना होता? जी सर अभी अफसोस इस बात का हो रहा है कि हार्डवर्क करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हार्डवर्क का सिला ये है तो मुझे लगता है किसी को हार्डवर्क करनी ही नहीं चाहिए। ये हम ये मैसेज क्या जा रही है जो आने वाला फ्यूचर है उन बच्चों के लिए, यही नेगेटिव मैसेज जा रही है ना। आपने इतनी हार्ड वर्क की है, इनफैक्ट अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन करें तो हर डिस्ट्रिक्ट से ऑन एन एवरेज 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। आप देखिए डाइवर्सिटी क्या है कि 5-5, 6-6 विलेज से एक बच्चा आ रहा है। इतनी हार्ड वर्क की है हमने और हार्ड वर्क करके हम यहाँ सड़क पर बैठे हुए। नए कश्मीर की नई तस्वीरें, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार को देने की बात। सर विकास तो आपको दिख ही रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपको दिख ही रहा है सर। इनफैक्ट अगर हम देखें जो वुमेन है इंडिया की पॉपुलेशन का 49% है, 49% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज वुमेन, लेकिन जो इंडिया का GDP है इकोनॉमी की बात करें हम तो ये सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की GDP को। सर वजह क्या है? वजह यही है कि इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अगर आपकी 50% पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है तो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो 2019 में उनका नारा था, एक विजन था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कैसे पूरा हो? आप नए कश्मीर को एक्सेप्ट करते जो उसमें मैनिफेस्टो की बात की जा रही है, क्या आप उस नए कश्मीर को अपने आप को देखकर एक्सेप्ट करते? सर आप देख रहे हैं ना कि नया कश्मीर यही है, हमारा जो फ्यूचर है यही नया कश्मीर है। आर्टिकल 370 के बाद से आप देख रहे हैं कि कितने पोस्ट यहाँ पे आए और कितने पोस्ट उन्हें सक्सेसफुली कंडक्ट कराए और वो उन्होंने ज्वाइनिंग की। उनमें सिर्फ एक नाम आता है, वो है PAA, पंचायत। सिंपल सिंपल एग्जांपल। क्या लगता है आपको कि व्हाट कैन बी द मेन रीजन दैट स्टिल यूपी पर यू नो आर ऑन रोड्स एंड देयर इज नो आंसर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और फ्रॉम एनी अदर साइड? सर अगर इस बात का मैं ऑनेस्टली जवाब दूं तो हमें खुद भी नहीं पता हमारे साथ ये हो क्या रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे तरफ कोई भी जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। बस एक एम्बिगुअस सा ट्वीट आता है कि हम एक्शन लेंगे, बट उसमें ये नहीं बोला गया है कि हम ये एक्शन किन के अगेंस्ट ले रहे हैं, कल्प्रिट्स के अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट। जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 24 दिन से, हम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट से, हमने इनफैक्ट डे फर्स्ट से ये डिमांड रखी थी कि अगर किसी भी लिस्ट में, हम फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी लिस्ट की बात कर रहे हैं, उनमें इंक्वायरी बिठाई जाए तो जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर करके जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है जो अपने हार्ड वर्क की बदौलत यहाँ लिस्ट में आए हैं उनको सिलेक्ट करें, बाकी जितने भी फ्रॉडुलेंट एलिमेंट हैं उनको बाहर करिए। यही हमारी डे वन से डिमांड है। दोनों टॉपर्स की आपने बात सुनी, कश्मीर विजन से है ये और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं ये बेटियां हैं, ये इस कश्मीर के बेटे हैं, ये कश्मीर का मुस्तकबिल है और इनका मतलब ये है जो कल SI रिक्रूटमेंट को लेके जिनको अरेस्ट करने की बात की गई है इनका मानना है वी वेलकम, उनका हम वेलकम करते हैं। कल्प्रिट्स को अरेस्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कल्प्रिट्स ऑब्वियसली ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही होंगे और अगर कल्प्रिट्स ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं होते तो इंक्वायरीज बिठानी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कहीं पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया होता तो सबसे पहले रिश्वत ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ही ली होती, ना कि इन बच्चों ने। और सबसे बड़ी बात इनका यह है कि इंक्वायरी करें हम साथ हैं, लेकिन स्क्रैप कोई ऑप्शन नहीं है। इनका यह मानना है कि आप इंक्वायरी करें, वी आर विद एडमिनिस्ट्रेशन, बट टू स्क्रैप द लिस्ट इज नॉट एन ऑप्शन।
एंड आपको बता दूं कि ये कुल मिला के 900 के आसपास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बच्चे हैं। और कुछ सो कॉल्ड लीडर्स, में बार बार उन लीडर्स को कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस की बात है, इन बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर भी आप अपनी गंदी सियासत को जो है नहीं भूल पाते और इनका फायदा उठा के आप पब्लिसिटी स्टंट्स खाते हैं। आगे क्या कुछ इसके हवाले से निकल कर आएगा वो भी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कश्मीर है, इनका मानना है ये नया कश्मीर है। 24वां दिन है और 24वें दिन भी जो है आज ये सड़कों पे है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो ऐसे रिक्रूटमेंट को लेके कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने की बात की गई है, इसमें भी अगर कुछ इंक्वायरी होती है, अगर कोई कल्प्रिट या एक्यूज मिलता है, इन बच्चों के फ्यूचर को ना, इन बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, बल्कि उन कल्प्रिट्स को जो है बीच चौराहे पे लाके लटकाया जाए, ताकि एक मिसाल क्रिएट हो जाए कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी सिचुएशन ना हो कि कश्मीर की कौम, कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ आगे ना खेलना पड़े और ऐसे कश्मीर के मुस्तकबिल को बार बार सड़कों पे ना आना पड़े। आगे क्या कुछ सामने आता है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए मुझे और हमारे सीनियर सहाफी मीर उमर को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर। जा, 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 जा,